मुद्दे को लेकर भी आप जाना चाहेंगे कि आपने अभी जस्ट कहा है कि मैंने कई बार कहा है, पिछले बार जब आपसे मुलाकात हुई थी सब मीडिया के साथ तब मैंने सिर्फ धारावी का मुद्दा लिया था। धारावी के लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से हम उनको हटाने नहीं देंगे। अगर कोई कोशिश करे कि वहाँ से उनको भगा कर वहाँ अपने टावर्स खड़े करें तो संभव नहीं, असंभव है। और धारावी के लोगों को मुंबई में, मुंबई की जहाँ जगह है जैसे मुलुंड का, मुलुंड की जगह है, दहिसर का है, कुर्ला मदर डेरी है, वहाँ पर हम उनको जाने नहीं देंगे। सर, सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कहानियां बताते हैं कि कैसे वो अमित शाह से छुपकर मिलने जाते हैं। आज संजय राउत जी ने कहा है कि सिक्योरिटी का मामला गंभीर है, क्या ऐसी कोई व्यक्ति अपना नाम बदल कर या टोपी टोपी खुद को नहीं, हाँ नहीं, जो सिस्टम है हमारी सुरक्षा व्यवस्था उसको टोपी लगा सकता है क्या कोई? म्हणजे फार भयानक गोष्ट या त्यांच्या गमती गमतीमध्ये त्यांनी बाहेर काढलेली की आपल्या एअरपोर्टची सुरक्षा किती बोगस आहे। तुम्ही साध्या साध्या माणसांना छळता, पण राज्याचा उपमुख्यमंत्री किंवा राज्याचा तत्कालीन विरोधी पक्षनेता जर वेषांतर करून देशाच्या गृहमंत्र्यांना भेटत असेल तर गृहमंत्र्यांना सुद्धा हे मान्य आहे का? ज्यांच्याकडे देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे किंवा विभाग आहे त्या देशाच्या गृहमंत्र्यांना देशातल्या एका शासकीय यंत्रणेतला महत्त्वाचा माणूस वेषांतर करून वेगळ्या नावाने आपल्याला भेटायला येतोय, सुरक्षा यंत्रणेला चकवा देऊन येतोय, असा गृहमंत्री हा माझं म्हणणं आहे की जागेवर राहताच का म्हणे, की जो सरकार पाडण्यासाठी पक्ष फोडण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्थेशी खेळ करतोय हा गृहमंत्री जागेवर राहता का म्हणे? या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे। जो संपूर्ण आपले अधिकार स्वतःच्या पक्षाच्या हितासाठी वापरतोय हा गृहमंत्री देशाचा गृहमंत्री म्हणून राहायला लायक नाही। अभी सारी बातें मैंने कह दी है। सर, मुंबई गोवा हाईवे का जो विषय है काफी करोड़ स्पेंड कर दिए गए हैं। ना आपण एक काम करा, नवीन एक पुरस्कार जाहीर करा की कंत्राटे आणि ज्यांनी हमी दिली होती, नाही पहिले मराठी मी बोलतो ना, ज्याने आधी छाती ठोकपणाने सांगितलं होतं की 200 वर्ष खड्डे पडणार नाही तर त्याला एक असतं ना युगपुरुष, तसं एक नवीन पुरस्कार करा खड्डा पुरुष। आणि खड्डा पुरुष म्हणून ज्यांनी हे हमी दिली होती की 200 साल कुछ होगा नाही, गड्ढे नाही होंगे, तो अभी हिंदी में कैसे खड्डा पुरुष को क्या करेंगे, गड्ढा पुरुष डंडा नहीं है गड्ढा बोल रहा हूँ, तो ऐसा एक पुरस्कार डिक्लेयर करो आप। सर, पिछले कुछ दिनों में रेल घटनाएं बहुत हुई हैं, आज फिर मुंबई हावड़ा रेल घटना हुई है, जिस तरह से हो रहा है और अश्विनी वैष्णव कल जिस तरीके से राहुल गांधी जी भाषण देते वक्त अपने अर्थमंत्री जी मजा ले रहे थे, हंस रही थी, ये कोई मंत्री क्या मंत्री बनाने के लायक है? कोई भी नहीं है। जैसे मैंने बात कही कि गृह मंत्री लायक नहीं है, अर्थमंत्री भी हंस रही है, वैसे ही रेलवे मंत्री क्या कर रहे हैं, अपना काम छोड़कर सभी काम कर रहे हैं। सर, रेलवे मंत्री लक्षण देत नाही आहे कारण की लगातार ये 3 महिन्यात हा मोठा अपघात आहे आणि रेलवे मंत्र्यांना जबाबदारी दिली आहे पक्ष विस्ताराची। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन सरकार की बात चल रही है लेकिन इंजिन पटरी से उतर रहा है, रेल गाड़ियां उतर रही है, उनके एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सब नाकामयाब मंत्री हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए। सर, वायनाड में लैंडस्लाइड की, ठीक है अभी सारी बातें एक साथ नहीं करेंगे, आमदारांच्या अपात्रतेचा येत्या 5-10 वर्षात निकाल लागेल असं मला कळलेलं आहे, बघू आशा करतो अशी 5-10 वर्षात तरी निकाल लागेल। चला धन्यवाद, जय महाराज। तर आपण पाहतोय की उद्धव ठाकरेंनी अमित शहांवरती खूप गंभीर आरोप केलेले आहेत। ते म्हणालेले आहेत की जर सत्तेसाठी सुरक्षेची हेळसांड होत असेल तर अमित शहांनी, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा असं ठाकरेंचं म्हणणं आहे।